फ्रेंड्स, वेलकम टू दी शबानाज किचन। आज मैं आप लोग के साथ एक यूनिक चिकन की रेसिपी, स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मगजी मुर्ग। होप आपने ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा और होप आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेगा। तो मगजी मुर्ग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया, ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन है। अच्छे से मैंने इस तरीके से इसे क्यूब में कट कर लिया है और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। बोनलेस चिकन लगेगा और उसका जो जिसका जो नाम पड़ा है मगजी से, इस मगज से आया है। तो ये वाटरमेलन का सीड है, आप इसके जगह पे खरबूजे का भी सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमें मगज़ का इस्तेमाल करना है, इसलिए इस रेसिपी का नाम मगजी और मुर्ग है। और इसका जो हम मैरिनेशन बनाएंगे, इस रेसिपी में दो मैरिनेशन होगा, फर्स्ट मैरिनेशन और लास्ट मैरिनेशन। तो जो मैरिनेशन में जाएगा, सेकेंड मैरिनेशन में बेसन लगेगा, तो बेसन 2 से 3 टेबल स्पून लगेगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट है जो लगभग हमें फर्स्ट मैरिनेशन और सेकेंड मैरिनेशन दोनों में जाएगा, तो 1-1 टीस्पून का यूज़ होगा। या आधा नींबू का जूस मैं इस्तेमाल करूँगी और ये काली मिर्च मैंने क्रश कर लिया है, ये यूज़ होगा। और ये जो मार्केट में जो अचार मिलता है, मिक्स अचार, रेड वाले ही लेना है, याद रखे। इसके अलावा और कोई अचार नहीं लेना है। रेड वाला जो मिक्स अचार रहे, या तो फिर आप नींबू का या तो फिर आम का, बट उसका जो मसाला है ये रेडी होना चाहिए। इस मगजी मुर्ग में रेड मसाला जाता है, तो ये मसाला मैं इसका इस्तेमाल करूँगी अचार का। और दही 1 से 1 टेबल स्पून में दही का इस्तेमाल करूँगी। और ये कुटी धनिया है, तो मैंने इसे क्रश कर लिया धनिया को। तो चलिए फटाफट से हम पहले अपनी फर्स्ट मैरिनेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें चिकन में कट लगाना है, तो ये ऐसे भी छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए, बट थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे हम, ताकि जो हम मैरिनेशन करेंगे वो इसके अंदर अच्छे से चला जाए, मसाला और जो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से कट लगा के एक प्लेट में इस तरीके से निकालते जाएंगे। तो फटाफट से सब में आप जो पीसेस है आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, आपको जैसा पसंद हो। देखिए मैंने यहाँ पे कट लगा लिए अपने चिकन में, ये देखिए। तो इस तरीके से 2-3 कट्स लगा ले आप। चलिए अब फर्स्ट मैरिनेशन हम करते हैं। तो पहला मैरिनेशन के लिए हम सबसे पहले इसमें मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसमें काली मिर्च जो मैंने लिया है क्रश कर लिया, ये डालेंगे इसमें। तो 1/2 टीस्पून मैंने क्रश काली मिर्च भी डाला है और उसी के साथ जाएगा ये आधा नींबू का जूस। तो ये आधा नींबू का जूस इसमें ऐड करेंगे हम। अब इसे अच्छे से हाथों से ही आपको अच्छे से इसमें कोट करना है, ब्लैक पेपर लेमन इसके अंदर जाना चाहिए। तो आप स्पून से ना मिलाए, हाथों से अच्छे से इसमें बस इस तरीके से अच्छे से थोड़ा सा मसल ले, ताकि जो कट्स हमने लगाया है उसके अंदर जूस चला जाए और ये जो अदरक लहसुन है, ब्लैक पेपर है, सब इसके अंदर जाए। तो बस हमने इसे मैरिनेट कर दिया। तो कम से कम इसे हमें 15 मिनट के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो 10 मिनट तो आप ज़रूर रखें, तो 15 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। जब तक ये हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट हो रहा है, तो हम इसकी सेकेंड मैरिनेशन को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने उसके लिए एक बोल ले लिया है और इस बोल में ऐड करूँगी चार टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया, ग्राम फ्लोर है, बेसन ऐड किया। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने फर्स्ट मैरिनेशन में डाला था, 1 टीस्पून अभी डालूंगी। और उसी के साथ 1/2 टीस्पून क्रश धनिया और 1/2 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर, उसी के साथ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसी के साथ ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, पूरा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसी के साथ जाएगा ये 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और इसमें डालेंगे हम दही, तो ये 1 और ये 2 टीस्पून लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये लाल अचार का मसाला, मार्केट वाला, खट्टी होती है बहुत, तो सिर्फ हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे, क्योंकि दही भी है, फर्स्ट मैरिनेशन में हमारा नींबू भी है, तो ज़्यादा खट्टी हो जाएगा। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, अभी इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इसका ये जो बैटर है, ये जो मैरिनेशन है, सेकेंड मैरिनेशन, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इस मगजी मुर्ग में। अच्छे से मिक्स करेंगे हम और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। तरीके से
ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये भी हमारी तैयार है। इस बैटर में हम चिकन को डालते हैं। बस अभी से अच्छे से चिकन को कोट करें तमाम मसालों में। से कोट हो गया तो इसको भी आप 5-10 मिनट आप रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 15 मिनट आप इसमें भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बस हम एक एक बोटी इसमें से निकालते जाएंगे और इसे इस पर रखते जाएंगे। मगज़ में इसे स्टिक करना है इस तरीके से। इस तरीके से हम अपने तमाम बोटियों को मगज़ में लगा देंगे। सारे चिकन को कोट कर लिए अच्छे से। तो अब मैंने यहाँ पे पहले से ऑयल को हीट करने रख दिया है, तो ऑयल मेरा हीट हो चुका है। चेक करते हैं तो मैं एक मगज़ इसमें डाल के देखती हूँ। तो देखिए परफेक्ट गर्म है। हम मीडियम पे कर देंगे अपने फ्लेम को और इसे फ्राई करेंगे। वन बाय वन उठा के इसे इसमें डालेंगे। चलाते हुए एक अच्छा कलर आने तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। इतना अच्छा गोल्डन कलर आया तो बिल्कुल हमें यही कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। तो 5 मिनट लगा मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे चारों तरफ स्टर करते हुए घुमाते हुए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा मगजी मुर्ग का कलर आया है देखिए, एकदम क्रिस्पी। इसी तरीके से हम अपने बाकी के भी चिकन जो है मगजी चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें। देखिए मैंने अपनी मगजी मुर्ग को फ्राई कर लिया और इसे खूबसूरत से प्लेट में मैंने इसे प्लेटिंग कर लिया है। स्लाइस में लेमन से इसे गार्निश करूंगी। तो देखिए टेस्टी और क्रिस्पी मगजी मुर्ग तैयार है। तो ज़रूर आप बनाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।